नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो आइए जानते हैं कि इस पर सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन इंडिया के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता ने दावा किया है कि जदयू के लोग बीजेपी के पास ऑफर लेकर आ रहे हैं। बीते मंगलवार को बयान देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू के लोग ऑफर लेकर आते रहते हैं कि नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दीजिए तो गठबंधन बीजेपी से जेडीयू का हो जाएगा। जदयू के अधिकांश विधायक और सांसद चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर ले और बिहार में एनडीए सरकार बन जाए लेकिन हम लोग नीतीश कुमार को राज्यपाल या कुछ भी नहीं बनाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नीतीश को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतीश के पास एक वोट की भी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब वो आरजेडी कांग्रेस के नज़दीक होने का ढोंग रचते थे। भारतीय जनता पार्टी को डराते थे कि गड़बड़ करोगे तो उन लोगों के साथ चला जाऊंगा। आगे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब आरजेडी और कांग्रेस को डरा रहे हैं कि अगर हमें भाव या सम्मान नहीं दिया तो अब मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो चुका है। एक बार फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता ने दावा किया है कि जदयू के लोग बीजेपी के पास ऑफर लेकर आ रहे हैं। बीते मंगलवार को बयान देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस पर बड़ा खुलासा किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जदयू के लोग ऑफर लेकर आते रहते हैं कि नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दीजिए तो गठबंधन बीजेपी से जदयू का हो जाएगा। जदयू के अधिकांश विधायक और सांसद चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर ले और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार को राज्यपाल या कुछ भी नहीं बनाएंगे। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतीश के पास एक वोट की भी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब वो आरजेडी कांग्रेस के नज़दीक होने का ढोंग रचते थे। भारतीय जनता पार्टी को डराते थे कि गड़बड़ करोगे तो उन लोगों के साथ चला जाऊंगा। हमने देखा कि नीतीश कुमार को लेकर जो दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डरा रहे हैं कि उन्हें सम्मान नहीं दिया तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राजद और कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।